अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम AWP एग्जॉटिका और आज हम मौजूद हैं लोकवर्सा मेला 2024 विच हैज़ अ थीम ऑफ फोकसिंग ऑन टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान और बहुत ही अमेजिंग कलरफुल माहौल है। इस्लामाबाद से हमने ट्रैवल किया, सिर्फ टॉरस से 15 मिनट लगे हैं हम यहाँ पे पहुँचते, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ हैं, बहुत प्यारे लोग आए हुए हैं, डिफरेंट सकाफ़ती अमाल, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट स्टॉल्स हैं और एरिया और मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है। तो दिस बेसिकली प्रोवाइड्स यूथ एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड एक्सपीरियंस द एक्चुअल कल्चर ऑफ पाकिस्तान और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं उनके विजिट्स हम करेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंध पवेलियन जो कि कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर किया, तो विल गो देयर और सकाफ़ती ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं कि सिंध अपनी हेरिटेज को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो जी, आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग इनसाइड द सिंध कल्चरल पवेलियन और उन्होंने इसकी एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट की हुई है। जैसे कि आपने देखा कि सिंधी पॉटरी का जो काम है वो बहुत प्रोमिनेंटली फिगर किया जा रहा है। दे हैव अ बिग LCD स्क्रीन राइट बिहाइंड अस, अगर आप देख सकें तो ये इसकी एंट्रेंस है। स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टॉल्स हैं, अजरक बिक रही है, बहुत सारे थरी गिफ्ट्स एंड एम्ब्रॉयडरी है। ये थरी गिफ्ट्स एंड एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा मैं बता दूँ, आई बिन टू एन एरिया नोन एज उमरकोट, ये वहाँ पे मोस्टली चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दीज आर यू नो ट्रेडिशनल कलरफुल आर्टवर्क है, कपड़े के ऊपर काम किया जाता है। शीशे का औताक दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग औताक है। द वे सिंधी पीपल सिट, दे टॉक, और ये अगर मैं आपको अंदर से दिखा सकूँ तो दिस इज़ अ स्मॉल बैठक जो कि पंजाब में एक डिफरेंट स्टाइल से जो है वो दिखाई जाती है। तो देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स विच आर अवेलेबल ओवर हेयर और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार। छोटा सा चरखू भी यहाँ पे इन्होंने बनाया, विच इज़ नोन एज ये जो हट टाइप सेटलमेंट है, ऊपर छाल डला होता है इसमें और नीचे की तरफ जो है वो आपको मिट्टी का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सिंधी कल्चरल लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। द वे सिंध मूव्स रिवॉल्व्स, रूरल सिंध जिस तरह से प्रैक्टिस करता है, यहाँ पे भी ये चरखी के ऊपर जिस तरह से यू नो कॉटन और वीव करके चीज़ें बनती हैं, द प्रोडक्शन ऑफ एन ओल्ड वुमन, और वो यहाँ पे ये चादरों वाला जो है सारा सीन जो है वो दिखाया जा रहा है। सो फार बहुत ही अमेजिंग, बहुत आला, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अमेजिंग थिंग इज़ के लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इस्लामाबाद यहाँ पे आए हैं और एक जो सबसे मज़े की बात है दैट इज़ मास्टर आर्टिजन्स की जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आके अपना अपनी स्किल प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर है और सिंध पवेलियन का बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ और बी रोल ऐड करता हूँ। रमेश कुमार, रमेश कुमार ब्रदर, आप कहाँ से आए? मटियारी जिला उडेलाल स्टेशन। क्या जबरदस्त, तो इधर इधर क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? वो डांडिया झूमर गए हैं, ढोले पे नाचते हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो इस्लामाबाद आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसे घूमे आप इस्लामाबाद, कुछ जगह देखी? हाँ जगह देखी। कहाँ कहाँ पे गए? शकड़िया पहाड़ देखा है। अच्छा, और फैसल मस्जिद भी देखी हुई है। फैसल मस्जिद पसंद आई आपको? हाँ बहुत अच्छी थी। So right now, ladies and gentlemen, I'm in the Khyber Pakhtunkhwa Pavilion. Khyber Pakhtunkhwa ki sakafat, history, culture ko ek separate look yahan pe di gayi hai. Jaise ki aap dekh sakte hain mere piche the mosaic art ki shops hain, handicrafts ki hain. Ek wooden bahut bada pavilion jo hai wo banaya gaya hai. If I can show you the grand entrance of this place, so they have SMD screens everywhere aur bahut hi zyada shor hai. This is the main SMD screen aur different stalls aap dekh sakte hain karigari ke aur areas ke, and this particular area right behind me jo aapko nazar aa rahi hai iski main entrance hai. Beautiful
बहुत ही खूबसूरत जो है वो दिखाया गया. तो आई एम एंजॉयिंग द खैबर पख्तूनख्वा स्टॉल इटसेल्फ. बहुत सी दुनिया यहाँ पे आई हुई है. गुड फाइंड चित्राली कल्चर ओवर हियर. इट्स प्रीटी लाउड राइट नाउ. और बहुत ही ऊंचा जो है वो केपीके का ट्रेडिशनल म्यूजिक पीछे चल रहा है. पर आप पतन हो रहा है तो भरा हुआ ये स्टॉल विद यू नो क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट. ये खाड़ी शॉल्स हैं हज़ारा की, उनका स्टॉल है. देन फुलकारी है अगेन हज़ारा वाल. चरसदे की चप्पल है जिसको कप्तान चप्पल कहा जाता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो बहुत ही केपीके ने तो बॉल उठा के रखा हुआ है स्टॉल्स में. और यहाँ पे यू नो गाबा वर्क है, अमरसे मिल रहे हैं, सोबत है डी आई खान की यार. और आपको क्या चाहिए यहाँ पे? यू कैन फाइंड सोबत. जो सोबत के लवर्स हैं वो यहाँ पे आके जो है वो सोबत खा सकते हैं. इन कंटेनर्स के अंदर जो है वो पड़ी हुई है. देन देर इज चरसदा चावल इटसेल्फ और चरसदे की कुछ मेवाजान है और चना मेवा पुलाव है. चरसदे के साथ मेरी अपनी दिली मोहब्बत काफ़ी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर आई विजिटेड. देन चिकन टिक्का चिक्का यहाँ पे है जितना आपको नज़र आ रहे हो. खासतौर पर जो चपली कबाब का जो ये स्टॉल है फूड के मामले में तो भाई पेशावर के लिए जो है पूरे पाकिस्तान को. सो जी दिस वॉज खैबर पख्तूनख्वा का जो स्टॉल है, जो एरिया इनको अलॉट किया गया है, ये थी उसकी सैर. उनका पकवान, उनके हैंडीक्राफ्ट, उनकी चादरें, शॉल्स, कल्चर, ट्रेडिशन. और दिस इज़ फॉर नॉट ओनली फॉर द इस्लामाबाद जेंट्री, दिस इज़ फॉर एनी वन जिसको सकाफत, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री से थोड़ा सा लगाव है तो वो ज़रूर इस जगह पे आए. आपको बहुत मज़ा आएगा. आप कल्चर डिफरेंट प्रोविंसेस का जो है वो इन्जॉय कर सकेंगे. So I've just entered the Punjab Pavilion, biggest province of Pakistan. बहुत बड़ी population है हमारी. और पंजाब की itself जो cultural significance है, पीछे आप देख सकते हैं barging gate बना हुआ है जिसको चबुरजी कहा जाता है. तो वो है full of stalls. पूरा culture पंजाब का मुझे लगता है यहाँ पे है. तो पंजाब के itself different parts है. Northern है, मिड पंजाब है, सदर्न पंजाब है. तो उसके हिसाब से देर आर मैनी मैनी स्टॉल्स ओवर हेयर. तो पंजाब वाला खाता एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हर जो प्रोविंशियल एरिया डेजिग्नेट किया गया है उसकी एक थीम है. देर आर फूड स्टॉल्स, देर आर स्टॉल्स जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, एंड देन देर आर स्टॉल्स विच आर रिलेटेड टू क्लोदिंग, एंड देन देर इज़ डिपक्शन ऑफ प्रोविंशियल लाइफ के वेड़ा कैसे होता है पंजाब का, सहन कैसे होता है, वो डिपिक्शन जो है वो की गई हैं. के पी के में लोग कैसे रहते हैं, सिंध में लोग कैसे रहते हैं, एंड ऑल्सो अ प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ कल्चरल म्यूज़िक जो फॉलो किया जाता है. तो हर प्रोविंस का जो है अपना म्यूज़िक भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिजिग्नेट किया गया फॉर द प्रोविंसेस वो भी आपको सुनने को मिलता है. तो ओवरऑल एक बहुत ही कैचिंग, आई कैचिंग, यू नो शाइनी और सिमरिंग मज़ेदार किस्म की आउटलुक है. तो लेट्स एक्सप्लोर पंजाब, थोड़ी देर में मिलते हैं. ओ भाई पंजाब के डिफरेंट स्टॉल्स की तो क्या ही बात है. मुल्तानी जो ब्लू पॉटरी है वो, ताशगरी कढ़ाई पॉटरी, मिट्टी का काम, उसके बाद सिल्वरवेयर, सॉल्ट क्यूड़ा का वो आप कैसे भूल सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल. चांदी का काम है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और भरा हुआ है. ज्वेलरी आइटम्स हैं फॉर वुमेन, क्लोदिंग है, मेल ज्वेलरी है. आप देख सकते हैं लॉट ऑफ यू नो स्मॉल ज्वेलरी अवेलेबल ऑल ओवर द प्लेस. सो वी आर राइट नाउ इस वक्त हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन के सामने खड़े हैं. ये इसका मेन जो है वो
एंट्रेंस है, सो लेट गेट इनसाइड द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन की, वहाँ पे क्या डिफरेंट ट्रेडिशंस जो हैं कश्मीर के, आई एम श्योर विंटर वेयर होगा, बहुत सारी जो आप कह सकते हैं विंटर कवरिंग, हैंडीक्राफ्ट, वो सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ही स्टॉल इज ऑफ शॉल्स राइट हियर, बहुत सारी शॉल्स हैं यहाँ पे, तो ये शुरू ही विंटर वेयर उससे हुआ है। लोग हैं वो यहाँ पे जमा हैं, तो फूड मुझे कोई खास आज़ाद कश्मीर का फिलहाल नज़र नहीं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट ताकि मैं वो भी एक्सपीरियंस कर सकूँ, बट बहुत ही इंट्रिकेट काम जो है वो हो रहा है, तो इंट्रिकेट काम में हैंड पेंटर्स हैं, हाथ से क्राफ्ट किया हुआ जो है वो फूल है, विंटर वेयर है, जैसे कि ये स्टॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर आर्टिसन बैठे हुए हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन दिस, ये जो फूल के आपको डिफरेंट वो नज़र आ रहे हैं, क्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो एवरीबडी हैज़ अ स्किल, तो स्किल के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ये एक हैंडलूम है जहाँ पे आई गेस होती है बुनाई का काम होता है एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स हैंडलूम इज फॉर दैट, और आगे हम देखते हैं तो छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी आपको नजर आएंगे, दिस पर्टिकुलर स्टॉल इज ऑफ कश्मीरी चाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे यू नो कुकीज टाइप वो पड़े हुए हैं, कश्मीरी टी इटसेल्फ इज अवेलेबल, अनदर स्टॉल ऑफ कश्मीरी टी अगर आप देख सकें यहाँ पे, किया था दैट वॉज आज़ाद कश्मीर, नाउ वी आर स्टार्टिंग, स्नो कंक्रीट डेडिकेट किया गया है बलूचिस्तान को, मेरे पीछे आपको बहुत ही बड़ा आज व्यू नज़र आएगा विद एंट्रेंस ऑफ द बलोच वेन्यू, और यहाँ पे कल्चरल म्यूजिक जो है वो प्ले किया जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग इन सच अ बिग क्राउड, बट इट इज सच अ बिग फन, असेंबली स्क्रीन जहाँ पे लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं डिपेक्टिंग बलोच कल्चरल ट्रेडिशन, और मेरे पीछे देर इज अ बैंड दैट इज परफॉर्मिंग इन ट्रेडिशनल कल्चरल म्यूजिक एंड डांस, तो वो एक्सप्लोर करते हैं बलोची ट्रेडिशनल कल्चर और उनकी सकाफत को एक्सप्लोर करते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत है, एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द स्टॉल्स पंजाब सिंध केपी के एंड कश्मीर, दिस प्लेस सबसे ज़्यादा क्राउडेड मुझे नज़र आ रहा है, शायद इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बलोचिस्तान के जो स्टॉल है सकाफत है उसको एक्सप्लोर करते हैं। बलोचिस्तान के स्टॉल पे बहुत मज़ा आया, मुझे पता नहीं क्यों बलोचिस्तान शुरू से पसंद है, क्वेटा में जा चुका हूँ, ज्यारत में देख चुका हूँ, ये अभी देसी सजी पकवान जो है वो तैयार हो रहा है और ये बेहद पसंद है मुझे, दिस इज लाइक द वे अ चिकन शुड बी कुक, बहुत ही मजे का, तो देयर इज लाइव बलोची सकाफती म्यूजिक राइट ओवर देयर, देयर इज टी एंड यू कैन सी लाइव सजी बिंग कुक, तो आप यहाँ पे आके जो है वो इनका फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, सो फार आउट ऑफ ऑल द स्टॉल्स मुझे बलोचिस्तान का जो सेटअप है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इट हैज़ रिचर आई वुड से टेक्सचर एंड कलर इनसाइड, जो उनकी सकाफती चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, तो बहुत ही डिफरेंट सा वाइब, डिफरेंट सा लुक आप लोगों को आता है, तो कुछ और इस स्टॉल को एक्सप्लोर करते हैं, दिस आई थिंक विल बी द लास्ट प्रोविंशियल स्टॉल दैट आई कवर फॉर यू गाइस, तो लास्ट में आपको कुछ बी रोल ऐड करके देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस और उसकी भारी नफरी तैनात है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि बाहर जाके मैं ड्रोन फ्लाई करके इसका फुटेज आपको दे सकूँ, बट देर आर लॉट ऑफ टॉल ट्रीज जिसमें मुझे डर है कि ड्रोन हिट ना हो जाए, तो लेट्स एक्सप्लोर द बलोचिस्तान स्टॉल अ बिट मोर, आप लोगों को दिखाते हैं।
पूरा इस्लामाबाद ही उठ के यहाँ पे आया हुआ है, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर क्वाइट टाइट। ओ हमने पूरा मेला एक्सप्लोर किया। थीम फॉर ईच प्रोविंस वॉज ऑलमोस्ट द सेम कि उनके हैंडीक्राफ्ट के अंदर क्लोदिंग, हैंडीक्राफ्ट स्किल, क्राफ्टमैनशिप उसके अलग स्टॉल्स थे, और देन देयर वर स्टॉल्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फूड। उसके बाद जो प्रोविंस इटसेल्फ का म्यूजिक है दैट वाज आल्सो देयर फॉर द पीपल टू एंजॉय। तो चारों प्रोविंसेस प्लस जो है वो आज़ाद कश्मीर का हमने देखा स्टॉल, बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो ज़रूर इस जगह पे आएँ 17 नवंबर तक। दिस प्लेस इज ओपन फॉर द पब्लिक। फिलहाल भाई मैं थक गया हूँ, आई नीड टू गेट सम फूड, और बराबर थोड़ा लंच कम डिनर का जो टाइम है उसका बीच का हिस्सा चल रहा है तो वो मैं कर लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह वापसी है, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ AW Pixodega अली फ्रॉम AW Pixodega साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। इंशाल्लाह आपको और से काफ़ी ट्रेडिशनल कल्चरल जगहों पे लेके जाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। फिलहाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम लोकवुड सा मेला, जहाँ पे चारों सूबों का जो है वो अमेजिंग गठजोड़ है, यूनिटी का सिंबल है, और बहुत ही मज़ा आया। So till the next vlog, for now, this is Ali from AW Pixodega signing off. See you in another video really, really soon. Do not forget to leave a like, subscribe, and turn on those bell notification icons if you haven't done so already. See you. Peace.